हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, आप समझो लगभग 6:30 से 7:45 का टाइम हो रहा होगा। और मैं हस्बैंड कर रहे हैं घर की क्लीनिंग, वो कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ मैं कर रही हूँ, दोनों मिलके कर रहे हैं। क्योंकि आज जो मेरे घर में मॉपिंग करता है बच्चा, वो आएगा नहीं, उसकी मम्मा बीमार है, मैंने आपको बताया था, और वो भी आज नहीं आएगा, उसका फ़ोन आ गया था। तो मैंने कहा चलो जी मॉर्निंग में ही सफाई कर लेते हैं, लग जाते हैं काम पे, क्योंकि मॉर्निंग में आप जल्दी सफाई कर लो तो ठीक रहता है। अगर वो देर से हो ना चीज़ें, तो वो फैलती रहती हैं, फिर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो कहाँ ख़त्म करो। आपके साथ भी होता है ऐसा? और जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं बाहर से शुरू करती हूँ, पहले बाहर वाले एरिया को वॉश कर लेते हैं पाइप लगा के, फिर वहाँ पोछा लगा देते हैं। तो क्योंकि वो बाहर वाले एरिया ईस्ट फेस है मेरे घर का, और वहाँ धूप आती रहती है, जल्दी से धूप आ जाती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले वहीं पर काम करें, क्योंकि बाद में धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ, हस्बैंड चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं उन्हें जगह पर लगाना। कोशिश तो करते हैं कि रात में जो फैली हुई चीज़ें हैं उनको जगह पर लगा दें, लेकिन बच्चों का घर है तो चीज़ें तो दिन भर फैलती रहती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। देखो टेबल के नीचे कूड़ा छिपा के डालते हैं दोनों, कागज़ दिन भर फाड़ते हैं, तो बच्चे करते ही हैं, कई बार तो नहीं करते, कई बार बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, और कई बार हेल्प भी कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते। पहले तो काफ़ी हेल्प करते थे, अभी आज कुछ टाइम से नहीं कर रहे दोनों बच्चे ना, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दोनों सोए हुए हैं इस टाइम पे, और श्रीजा की क्लास है, उसकी 7:40 से क्लास स्टार्ट है, लेकिन वो अभी सो रही है, मैं उसको उठा रही हूँ बार बार, श्रीजा उठ जाओ, नहीं उठ रही। और बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के मॉपिंग करूँगी जल्दी जल्दी। और घर ऐसे देखने में आप ये सोचो कि आज पोछा नहीं लगा हो काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों काम चलता नहीं है। आप जिस दिन क्लीनिंग ना करो ना घर की, तो आपको घर बड़ा गंदा और बड़ा अजीब सा दिखता रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है इससे अच्छा तो सफाई कर लो, वही बेहतर है। जितनी चादरें वगैरह बच्चों ने इधर उधर फैला रखी है ओढ़ी हुई, सब जगह पर रख दूँगी समेट के, और चीज़ें भी अरेंज होती जाएंगी साथ साथ, और झाड़ू पोछा भी होता जाएगा। लेकिन एक बात है, जब आप अपने आप सफाई करते हो ना खुद, तो आप कोनों कोनों से ढूंढ ढूंढ के सफाई करते हो, बिल्कुल कोई गंदगी घर में छोड़ते नहीं हो। और जब वो इतनी जल्दी आ जाता है मॉर्निंग में पोछा लगाने लड़का, तो फिर इतनी जल्दी इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती। नहीं तो मुझे पहले आदत थी कि घर का मैं रोज़ एक कॉर्नर क्लीन करती थी, बट अभी वो नहीं हो पा रहा। कुछ चीज़ें ऊपर रखी हुई थी छत पे, तो मेरे हस्बैंड ने ला दी, वो मेरा मॉप ला दिया, उसी से पोछा लगाना ईजी लगता है मुझे। और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, बल्कि शूट मेरा ही ज़्यादा हो रहा है, हेल्प उन्होंने काफ़ी की मेरी, हमेशा कर देते हैं और करनी भी चाहिए आई थिंक। तो बस वो थोड़ा सा पानी ला के रख देंगे मेरे लिए इतना मॉपिंग के लिए, और मैं यहाँ झाड़ू निकाल दूँगी। तो छोटे छोटे कामों में भी अगर आपकी कोई मदद कर देता है ना, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले ही लगे पड़े हैं, मतलब हम अकेले ही काम करेंगे, है ना, वो बर्डन नहीं लगता काम। फिर वो एक जैसे फैमिली में एक टास्क होते हैं ना, सब मिल के करते हैं, है ना, इंजॉयमेंट सा बन जाता है, हंसते रहो, बोलते रहो, बातें करते रहो, तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से काम करने में मुझे। बस जल्दी जल्दी मैं मॉपिंग कर दूँगी अच्छे से, बिल्कुल। इस वाले मॉप का यही फ़ायदा है कि आपको झुकना नहीं पड़ता, और ये कोनों कोनों तक सफाई कर देता है, बिल्कुल बेड के नीचे भी बिल्कुल क्लीन रहता है इसकी वजह से। और सोफ़े वगैरह मैं नहीं खिसकाऊँगी बिल्कुल भी, पेट पे लोड डालने वाला कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मॉपिंग करने में ही बहुत लोड पड़ता है पेट पे। उसके बाद मैं जल्दी से आगे किचन में, क्योंकि मॉपिंग की उसके बाद में ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और अगर ज़रा सी देर भी रुकूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में आज कुछ अच्छा बनाऊँगी, मतलब थोड़ा प्रॉपर, मैं आपको बताऊँ, ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया था दोस्तों। आप कितना भी जल्दी जल्दी करो, मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लगता ही है, मुझे तो लगता है 1 घंटा पूरे घर की क्लीनिंग करने में, सब चीज़ों की झाड़ पोछ वगैरह करना। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल डाल लिया, जीरा डाल लिया, हींग डाल लिया, अभी थोड़ा प्याज डाल लिया। अब मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप ही भी इस तरह से बनाओगे तो सब लोग पूछेंगे कि कैसे बनाई है, बहुत स्वाद बनेगी, आप देखते रहिएगा। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ा अदरक डाल दिया, आपको लहसुन डालना है तो आप डाल सकते हो, मेरे घर में इस सब्ज़ी में लहसुन नहीं खाता कोई भी। तो और उसके बाद में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर। कल एक मैं कमेंट आ रहा था कि ब्लैक पेपर किसको कहते हैं, ब्लैक पेपर काली मिर्च के पाउडर को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल दूँगी, अगर आप हाथ से क्रश करके डालोगे ना तो ये बहुत बढ़िया बनेगा, और इसकी खुशबू और स्वाद डबल हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो ऐसे बनाया करो दोस्तों, मज़ा आएगा। खासकर आप जब भी पूड़ी से बना रहे हो, तो श्रीजा सक्षम का पूड़ी खाने का मन है, इसलिए मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अगर इसमें कसूरी मेथी आप हाथ से क्रश करके डालोगे ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी और बहुत ही स्वाद बनेगी, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये भी मैंने एक ट्रिक कहीं से सीखी थी और बस कुकर का ढक्कन बंद कर दिया,
आज मैं दो तीन चीज़ें बनाऊंगी। मन कर रहा है मेरा कुछ अच्छी कुकिंग करने का, मतलब चीज़ें तो वही हैं सिंपल सिंपल सी, लेकिन कभी कभी उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पेठे की सब्ज़ी यानी कद्दू की सब्ज़ी फ्राई करूँगी। इसको तो मैंने रात में ही कट करके रख लिया था, श्रीजा सक्षम को पढ़ा रही थी जब मैं, तो मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता रही थी ना कि कभी कभी मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर लेती हूँ। इसको मेथी में फ्राई करूँगी, थोड़ी मेथी थोड़ा जीरा मिला लिया मैंने आपस में और उसको डाल दिया इसमें, थोड़ा सा हींग डाला, इन सबको अच्छे से भून दूँगी। अब इसमें मैं पेठा डाल दूँगी, इसमें कोई प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी दोस्तों। आप इसमें जीरा डालने के टाइम पे वो भी डाल सकते हो, सूखी लाल मिर्च, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने वही बेसिक मसाले नमक धनिया हल्दी ब्लैक पेपर ये सब डाल दिया, और मैं रेड चिली का यूज़ नहीं करूँगी, ग्रीन चिली का यूज़ करती हूँ हमेशा। और बस मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया, 2 से 3 ग्रीन चिली इसमें मिलाकर डाल दूँगी। और हरी मिर्च का मैं आपको बताऊँ, हरी मिर्च काफ़ी तीखी है ये, तो इनसे मतलब ऐसी कमी लगी नहीं रही कि मतलब इसमें लाल मिर्च नहीं है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच शुगर और इसको ढक के पकाऊँगी। मेरे यहाँ पे ये थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर में खाया जाता है, और खटाई मैं नहीं डालती, हस्बैंड को नुकसान देती है। अगर मुझे लगता है ज़रूरी है तो मैं हस्बैंड का निकाल देती हूँ फिर डाल लेती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ इसके बिना भी खा लेते हैं। आप ज़रूर इसमें अमचूर पाउडर डालना, अगर आपके पास जगरी है यानी कि गुड़, तो आप इसमें गुड़ डाल देना शुगर के बदले थोड़ा सा टुकड़ा, तो ये बहुत स्वाद बनेगी। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी निकाल दी, उसको क्रश कर दिया थोड़ा सा, तो उससे थोड़ी घुटी हुई सी हो जाती है ना, पूड़ियों के साथ में बच्चों को खाने में अच्छी लगेगी। अभी मैंने यहाँ पे पेठे को भी ऐसे ही मैश कर दिया, मैं आपसे कही थी ना ये मैशर बहुत काम आता है पाव भाजी वाला। अब इसको ढक दूँगी, ढक के ना पकती रहेगी, और ये कढ़ाई में बहुत स्वाद बनती है पेठे की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी देखिए तैयार हो गई है, इसको निकाल दिया है। और आप चाहे तो इसमें जो लाल मिर्च होती है ना कलर वाली वो भी डाल सकते हो, बट मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ खाने में, टेस्ट के चक्कर में मैं सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अभी मैंने फिर से कुकर चढ़ा लिया, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला, मैं थोड़ा सा जीरा राइस भी बनाऊंगी। तो आज मैं प्रॉपर कुछ बना रही हूँ, मुझे मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगता है थाली में 3-4 चीज़ें सजी हुई हों, बड़े अच्छे से बच्चे खुश होकर खा रहे हों तो बहुत मज़ा आता है, हस्बैंड खा रहे हो। तो अभी मैंने यहाँ जीरा डाल दिया इसमें, और जीरे को थोड़ा सा तड़का लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। और देसी घी में अगर आप जीरा राइस बनाते हो तो बहुत स्वाद बनते हैं दोस्तों, या फिर पुलाव बनाते हो देसी घी में। और मैंने सोख करके रखे हुए थे बासमती चावल, वो मैंने इसमें डाल दिए, इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। इसमें मैं कुछ मसाले नहीं डालूँगी, बस हल्का सा हल्दी पाउडर डालूँगी और हल्का सा नमक डालूँगी। हल्का सा हल्दी पाउडर इसको कलर देने के लिए डाला है, जिससे जब ये बन के आए तो इनमें हल्का येलो येलो सा लेमन सा कलर आए, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस पानी डाल दिया, अगर आपने बासमती चावल भिगो के रख रखे हैं ना तो आप इक्वल पानी डाल दो तो भी ठीक है, नहीं तो आप आधा जिस नाप से आपने बनाया उससे आधा और फालतू डाल दो तो ठीक रहता है। पेठा मेरा बनके तैयार है, बहुत स्वाद पेठा बना था, श्रीजा को भी बहुत अच्छा लगा था। और बस यहाँ पूड़ियाँ बना रही हूँ, उधर रोटियाँ बन रही हैं। आपको पता है रोटी और पूड़ी अलग अलग क्यों बनती हैं मेरे घर में, मैं और हस्बैंड रोटी खाते हैं, बच्चों के लिए पूड़ी बना रही हूँ। और आज मेरे ध्यान से बहुत टाइम बाद में मेरे घर में पूड़ी बन रही है, काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो अच्छा मौसम है बच्चों के लिए पूड़ी बनाते हैं। श्रीजा कर सक्षम का मन था दोनों का, इन दोनों को आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ में ना पूड़ी खाना बहुत पसंद है, और साथ में रायता हो तो फिर मज़ा आता है। मेरे पास दही पड़ी है फ्रिज में, बूंदी तो नहीं है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा जीरा पाउडर वगैरह डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर दे दूँगी। तो बस इधर रोटियाँ बन रही है मेरी, और आप लोग भी आ जाइए टेस्टी टेस्टी खाना खाने। तो आज बस ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बन रहे हैं मेरे, ये 2 बार नहीं खाना बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि मेरे घर में तीनों टाइम फ्रेश खाना बनता है। 3 टाइम खाना बनाने में पता है पूरे दिन ऐसा लगता है कि आप खाने में उलझे हुए हो, लेकिन मेरी खाना बनाने की स्पीड अच्छी है और कामों से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है दोस्तों। और इतना कुछ झंझट वही कर सकता है ब्रेकफास्ट में जिसको शौक़ हो, बिना शौक़ वाला इंसान नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ियाँ बनाना, बहुत सारी जब मुझे सब्ज़ियाँ बनाने का शौक़ चढ़ता है मुझे मन करता है एक के बाद एक चीज़ें फ्राई करती चली जाऊँ, लेकिन खाएगा कौन, बनाने में मज़ा आता है लेकिन मुझे अपने तरीके से बनाने में मज़ा आता है, फिर उसमें कोई रोक टोक या फिर कोई वो ना हो। क्योंकि पता है मुझे लगता है जैसे एक पेंटर होता है ना, जो पेंट करता है उसको फ्री हैंड छोड़ दो तो फिर वो बहुत अपना टैलेंट दिखाता है। तो आप खाने में भी अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है और आप फ्री हैंड बना रहे हो ना, तो आप उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर देते हो, उसको एकदम यूनिक बना देते हो, चाहे वो छोटी सी पूड़ी ही क्यों ना हो। आप मानते हो इस बात को, जिन लोगों को शौक होता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है किचन में ये सब काम करने में, तो जल्दी जल्दी सारी पूड़ियाँ बना दूँगी, और पूड़ी मैं 2-4 एक्स्ट्रा बनाऊँगी जिससे बच्चों को लंच के टाइम पे जब भूख लगेगी तो वो 1-2 पूड़ियाँ रखी रहेंगी। और थोड़ा राइस भी बन गए हैं, वो मैंने इसलिए बनाया,
और क्योंकि मुझे इसके बाद इस वाली वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, इसलिए भी मैं ये सब कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी थोड़ा खाना बनाऊँगी दोपहर में फिर से कुछ बनाऊँगी तो मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी। तो यूट्यूब का काम भी करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है दोस्तों। तो बस मैं पूड़ियाँ बना लूँगी यहाँ पर। और ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बनाने का आज एक कारण ये भी है कि मुझे दोपहर में कहीं जाना है, ज़रूरी काम है मुझे हॉस्पिटल में कुछ, तो वहाँ जाना है। तो फिर मैं खाना बना के एकदम से भागूंगी, वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ एक साथ बना दिया और देखो टेबल पे लगा दिया। आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए। तो लगभग ऐसे ही बज गए, 10 बज गए, ज़्यादा टाइम ही हुआ कि घर की क्लीनिंग की फिर ये सब भी किया, 10 बज गए। तो 10 बजे खा रहे हैं और 9:45 का टाइम होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि क्लीनिंग करने में इतना टाइम तो हो ही जाता है यार। 8 बजे भी लगो तो 9 बजे तक तो आपकी सफाई होती है ना, और 7:15 बजे हम लोग लगे थे सफाई करने में, 7:15 या 7:45 ऐसे ही हो रहे थे शायद। और उसके बाद में सफाई करने में 1 घंटा लगा, उसके बाद सब्जियों को फ्राई करना बनाना सब कुछ है ना, 1 घंटा तो लग ही गया। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर सी प्लेट सजी हुई, देख के मज़ा आ रहा है ना। और ये मैंने दही में कुछ काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक डाल दिया। तो अगर आप रायता नहीं बना रहे हो ना तो गाढ़ी गाढ़ी दही इस तरह से खाने में मज़ा आता है। 2 बज गए और मुझे अभी लेटने का मन कर रहा है, लेकिन कहीं जाना है किसी ज़रूरी काम से, तो कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा रेडी होती हूँ और आपके साथ में शेयर ही करूँगी कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। ठीक है, आप ब्लॉग में लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हो, बहुत मेहनत कर रही हूँ आजकल मैं ब्लॉगिंग पे अपनी। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, अपना प्यार देना दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को। अभी बीच में बोल रही हूँ, हर बार भूल जाती हूँ बोलना। और बस तैयार होके मैं हॉस्पिटल आई हूँ, लगभग 3 से 4 बजे का टाइम है। कुछ पेपर्स वगैरह निकालवाने थे हस्बैंड की रिपोर्ट्स के, तो सारी चीज़ें अपने पास होनी भी ज़रूरी है ना। आपके साथ एक बीमारी जुड़ी हुई है, अप डाउन्स होते रहते हैं, तो हर एक चीज़ का पता हो, सारे पेपर्स आपके पास हों, आपके केस की नॉलेज हो तो ठीक रहता है। तो सारे पेपर्स हम लेने आए हैं। और मैं बच्चों के लिए आते हुए ये ले आई थी क्रीम रोल बच्चों ने कहा था मम्मी चिज्जी लेके आना, तो बच्चों को चिज्जी खाने का बहुत रहता है दोस्तों। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग में। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।